अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन पपाया सैलड। आज इसकी एंकरिंग मेरी बेटी करेगी और ये 10 साल की है। इसका नाम जैनब है। अस्सलाम वालेकुम। और हमें ग्रीन पपाया सैलड के लिए ग्रीन पपाया चाहिए, जिसको हमने कद्दूकश करके आइसी कोल्ड वाटर में डुबो दिया है, जिससे वो और क्रिस्पी हो जाए। हमारे पास लहसुन है, लाल मिर्च है, और ये हमारे पास बीन्स हैं और गुड़ है। हमारे पास मूंगफली है कुछ, और कटे हुए टमाटर हैं। सोया सॉस भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, और कूटने के लिए हमलदस्ता। अब हम हमलदस्ता में कुछ लहसुन डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे। अब इसको हम इसे कूट लेंगे। हम इसमें नमक भी डालेंगे और साथ में मूंगफली भी। अब इसे हम पीस लेंगे। बीन्स को हमें ज्यादा बारीक नहीं करना है, इसे मोटा मोटा ही रखना है। अब हम इसमें नींबू निचोड़ देंगे। अब बस में हम छिलका डाल देंगे और इसे थोड़ा निचोड़ देंगे। और अब हम इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और गुड़, बस ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 टीस्पून डालेंगे। अब इसमें जो पपाया था अपना, वो डाल लेंगे। हमने अपना पपाया यहाँ डाल लिया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमारी ग्रीन पपाया सैलेड तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी, देख सकते हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो देखिए, हमारी ग्रीन पपाया सैलेड तैयार हो गई है और हमने इसे सर्व भी कर दिया है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।